ऋग्वेद में और इसके बाद कठोपनिषद में योग का विवरण मिलता है। साधारण शब्दों में मेल मिलाप जोड़ योग कहलाता है। इसका जो विस्तार है पतंजलि के हठ योग में मिलता है और मैं सहज योग का समर्थन करता हूँ। जहाँ हठ योग में आप बलपूर्वक अपने शरीर के बाह्य और आंतरिक अवयवों को एक करते हैं, वहीं सहज योग भी मनुष्य के बाह्य और आंतरिक अवयवों को संयुक्त करने का काम कर देता है। वास्तव में योग तन मन और आत्मा के मिलन का प्रयास है। ओशो का ध्यानाकर्षण प्रथमतः किया जा सकता है। आपको एक आसन का प्रयोग करना चाहिए और तदुपरांत आपको योगिक क्रियाओं का प्रतिपालन करना चाहिए। हठ योग जो है अहंकार को बल प्रदान करता है और सहज योग मानव को विनम्र बनाने में सहयोग देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं।